हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र और हरियाणा टूरिज्म विकास निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोल्लन। इस दौरान सुभाष चंद्र ने ब्रह्म सरोवर पर आयोजित महाआरती एवं भजन संध्या में भाग लिया। सुभाष चंद्र ने बताया कि कुरुक्षेत्र में चल रहे इस पावन महोत्सव में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जयंती के इस कार्यक्रम पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को, आयोजकों को मैं कोटि-कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं। और वहीं हरियाणा सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने जो ये परंपरा अपने शासनकाल में शुरू की, ये परंपरा एक जीवंत परंपरा है। ये एक परंपरा, ऐसी परंपरा है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को सुखद और अच्छा संदेश देती है। जैसे आदरणीय चेयरमैन साहब ने बताया कि हमारी जो ये कुरुक्षेत्र भूमि है, ये गीता की भूमि है, यहीं से हमें कर्म करने का संदेश मिलता है। और वहीं इस पवित्र कार्य को करने के लिए राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी को भी मैं शत-शत वंदन अभिनंदन करता हूँ, जिनके प्रयासों से जो ये सपना है ये साकार हो रहा है। और कुरुक्षेत्र की भूमि और कुरुक्षेत्र और हरियाणा आज पूरे विश्व में इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। इस कार्यक्रम की मैं हरियाणा सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ।